हरियाणा कांग्रेस की नई टीम बुधवार को सुबह दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकली। ये भी सच है कि चंडीगढ़ में सरकार चाहे जिस पार्टी की भी बने वो दिल्ली से ही बनती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की 260 किलोमीटर की दूरी में जीटी रोड बेल्ट के 6 जिलों में कांग्रेस की नई टीम का करीब 2 दर्जन जगहों पर शानदार स्वागत हुआ। खास बात ये रही कि कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा ये हुड्डा पिता पुत्र का शक्ति प्रदर्शन था। दोनों पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के सारथी बनकर चल रहे थे। भान जी, भाई साहब का धन्यवाद, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस मजबूत होगी। बहुत जबरदस्त लहर चल रही है और एक सुनामी बनकर आएगी। और ये भाजपा जो भारत जलाओ पार्टी जो इस देश के प्रदेश के माहौल को खराब कर रही है, जो बेरोजगारी और जो महंगाई जिस तरह का माहौल उन्होंने प्रदेश में बना रखा है भ्रष्टाचार का, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये सूचक है इस बात का, लोग बदलाव चाहते हैं, इस सरकार से त्रस्त हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी की जो टीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई है उस टीम की तरफ सकारात्मक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि आगे की गाड़ी में हुड्डा सीनियर, हुड्डा जूनियर, नए प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज थे। श्रुति चौधरी के बारे में जानकारी ये थी कि कोरोना की आशंका के चलते वो अलग गाड़ी में पहले ही चंडीगढ़ की ओर निकल गई। अब जगह जगह स्वागत करने वालों का जोश क्या कहता है। सच्ची बात कहता हूँ, कम से कम 80 सीटें जीत कर दोबारा प्रदेश नंबर 1 बनने जा रहा है कांग्रेस सरकार में। और कांग्रेस की सत्ता लोगों ने मन बना लिया है, इस बार कांग्रेस को सत्ता सौंपेंगे। आज अपने आप पानीपत की हर गली से हर मोहल्ले से साथी आए हुए हैं, बगैर किसी को कहे हुए। लोगों में बहुत उत्साह, इनसे तंग आ चुके हैं, सच्चाई तो ये है। पानीपत में 5 जगह कांग्रेस की नई टीम का स्वागत हुआ। इसराना के कांग्रेस विधायक बलबीर वाल्मीकि की जुटाई भीड़ भी वाह वाह थी। ताकत तो पिछली ओर भी थी, परंतु हमारी कई टिकटें ऐसी थी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीटी रोड बेल्ट पर टिकट दिलाना चाहते थे। कई कार्यकर्ता बड़े मजबूत थे और वो जीत कर आते, किसी कारणवश पार्टी का मामला था, उन्हें टिकट नहीं मिल सकी। किस प्रकार से आप देखेंगे पानीपत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किस प्रकार के घपले हो रहे हैं? करनाल में आप देखेंगे तहसीलदार आज जेल में है, खट्टर साहब का खुद का जिला है वो, देखिए क्या किस प्रकार के हालात खट्टर साहब के जिले में है और किस प्रकार के हालात HPSC जो हजारों लाखों नौजवानों की उम्मीदें जिस मैं कहता हूँ जिस आयोग से जुड़ी हैं वहाँ किस प्रकार से नागर साहब करोड़ों रुपए लेकर के गबन करके अपने घर में बैठे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन की खास बात ये भी रही कि हुड्डा सीनियर मौजूदा सरकार की नाकामी और 36 बिरादरी का साथ होने का दम भर रहे थे। एक तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वोटों से झोली भरने वाली प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट का मिजाज आगे चलकर पता चलेगा, ये उसका आगाज मान सकते हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।